हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो है और इसमें जो है कहा जाए तो वेरियस काइंड ऑफ प्रोफाइल, 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है 12th होल्डर के लिए, या 10th होल्डर कैंडिडेट हों, या ग्रेजुएट होल्डर हों, या कोई भी कैंडिडेट हों, इसमें 9 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली जो है मेडिकल से रिलेटेड है, बाकी जो है जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गया, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, मेडिकल रिकॉर्डर की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, रेडियोग्राफर का जो है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, नर्स स्टाफ के लिए, तो वेरियस काइंड ऑफ इसमें वैकेंसी है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है, कोई भी जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। इसमें सैलरी जो है डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट है। वैसे 22,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी, सपोज कीजिए कि रेडियोग्राफर है तो 22,000 प्लस अदर अलाउंसेस आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें है, और इसमें जो दोस्तों आपको हार्ड कॉपी भेजना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ड कॉपी, सेंड हार्ड कॉपी। तो ये कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, और फॉर्म आपको दिखाऊंगा, जो फॉर्म आपको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करना है, एंड रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट आपको लगा के उसको कुरियर करना है, राइट दोस्तों। ऐसे कैंडिडेट जो कि इसमें एलिजिबल नहीं है, या इसके अलावा भी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक इसमें नर्सिंग स्टाफ है तो नर्स स्टाफ इसमें है, तो इसके अलावा और कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वैकेंसी अवेलेबल है, चाहे वो नर्स स्टाफ की वैकेंसी हो, या रेडियोग्राफर की, या लाइक टेक्नीशियंस की, लाइक लोअर डिवीजन क्लर्क की, सबकी वैकेंसी भी अवेलेबल है। इवन इंजीनियर्स के लिए, लाइक डॉक्टर के लिए, बीकॉम होल्डर के लिए, सभी के लिए वैकेंसी अभी ओपनिंग है। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हो, एक साथ बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बट प्रॉब्लम यह है, आपको पता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट ऐड करूँगा, दो ऐड करूँगा, तो उसमें एक प्लेलिस्ट सरकारी जॉब से रिलेटेड होगा, उसमें आप सबसे नीचे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारी जो है अभी जो कि ओपनिंग है अवेलेबल, अभी डेट बाकी है, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, PSU हो, या ऑटोनोमस बॉडी का हो, किसी भी जो है तरह का जो है सरकारी से रिलेटेड वैकेंसी हो, आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। और मंडे टू सैटरडे एक जो है करंट अफेयर्स का क्लास होता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ई एजुकेशन का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी अदर चीजें भी आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आज के नोटिफिकेशन में। ये फॉर्म है, फॉर्म हम बाद में देखेंगे, मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा। तो यहां पे देखिए, इसमें जो है LGB रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये हॉस्पिटल है, वहां पे ये वैकेंसी निकली हुई है, राइट। और यहां पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी, लास्ट डेट है 10 जनवरी 2022। नर्सिंग ट्यूटर के लिए 5 वैकेंसी है, लेवल 7 का जो है 39,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, 35,000 के आसपास नर्सिंग ट्यूटर की, राइट। 35 मैक्सिमम एज दिया गया है, जेंडर के लिए 4 और SC के लिए 1, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, देयर इज नो एनी रिटर्न एग्जामिनेशन, देयर इज ओनली इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन। नर्सिंग स्टाफ के लिए 10 वैकेंसी है, सैलरी सेम रहेगा, 4 जनरल के लिए, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, एंड इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 1, 35 एज रहेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए एक वैकेंसी है, और इसका भी सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और इसमें जो है आपका यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन 1 ही वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर, इसमें जो है आपका 1 वैकेंसी है, इसमें सैलरी थोड़ा डाउन होगा, 22,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी, 27 एज है। और इसमें रेडियोग्राफर में 1 वैकेंसी है, सैलरी जो है आपका 24 के आसपास होगा, और इसमें 30 एज दिया गया है, 1 वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी है, 22,000 सैलरी होगा, और 30 जो है मैक्सिमम एज होगा इसका, 1 वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की 2 वैकेंसी है, दोनों जनरल के लिए है, 25 मैक्सिमम एज है, और इसका भी 22,000 का सैलरी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड अदर, 8 वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, 30 मैक्सिमम एज दिया गया है, 3 जनरल, OBC के लिए 2, ST के लिए 1, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 2। वार्ड सिस्टर, इसमें जो है 3 वैकेंसी है, और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी जो है आपका इसमें जाएगा सैलरी आपका 30 के आसपास, और 35 एज है, और इसमें 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 1 ST के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो ये 9 डिपार्टमेंट की जो है अलग अलग वैकेंसी मैंने डिस्कस कर लिया। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे आपका फॉर्म एंड जो है एप्लीकेशन फी। तो जैसे नर्सिंग ट्यूटर में मास्टर डिग्री चाहिए इन साइकोमेट्रिक साइकेट्रिक नर्सिंग विथ एटलीस्ट 55%, मास्टर डिग्री चाहिए साइकेट्रिक्स नर्सिंग विथ 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद इसमें जो है अगर आपने रजिस्टर्ड एज ए नर्स
एंड मिडवाइफ विद द सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आप रजिस्टर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टू ईयर का एक्सपीरियंस। बट अगर जिनके पास टू ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दो साल का जो है ये एमएससी पोस्ट एमएससी टीचिंग का या रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट और द जनरल हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज टीचिंग इंस्टीट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 10 वैकेंसी थी वहाँ पे, जिसमें कि प्लस टू एंड रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड नर्सिंग जो है जीएनएम या बीएससी कोर्स किया हो, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन हो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन 55% मार्क्स, और मास्टर इन फिलोसफी टू ईयर का इन कंसर्न, मास्टर टू ईयर का होता है, टू ईयर का हो, वन ईयर का भी होता है बट वन ईयर का नहीं कंसीडर होगा। टू ईयर का अगर आपने मास्टर फिलोसफी से किया है इन कंसर्न डिसिप्लिन, टू ईयर का मास्टर पोस्ट एमफिल टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास, स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, जो है आप जो है डिटेक्ट कर सकिए कि मतलब अगर कोई भी इरर है तो आप उसको चेक कर सकें 10 मिनट में 80 मतलब पर एक मिनट में 80 वर्ड, तो आप कर सकते हैं, टेस्ट ही करना है आपको, टाइप नहीं करना। 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट जो है हिंदी, और कंप्यूटर पे जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा। उसके बाद रेडियोग्राफी जो है रेडियोग्राफर के लिए जो है मैट्रिक पास हो और 2 साल का जो है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, बट इतना ही है। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में देखिए 12th पास कैंडिडेट हो, राइट, एंड इसमें देखिए शुड हैव अटेंड एटलीस्ट 6 मंथ टीचिंग कोर्सेज फॉर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर, 12th पास हो या 6 महीने का ट्रेनिंग हो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का, राइट, और जो है कंप्यूटर का नॉलेज हो, अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट में 12th पास कैंडिडेट हो, उसके बाद इसमें दिया है कि यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन रिसेप्शनिस्ट इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट या किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शन का आपने काम किया है 12th के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क्स के लिए क्या है, 12th पास कैंडिडेट हो, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड और 25 वर्ड पर मिनट इन मैनुअल टाइपराइटर पे जो है टाइपिंग स्पीड चाहिए, ठीक है, हिंदी में, और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट। अगर ये नहीं है तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 35 पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, कंप्यूटर पे जो है ये जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वार्ड सिस्टर, 12th पास कैंडिडेट हो, जीएनएम नर्सिंग किया हो, रजिस्टर्ड हो स्टेट गवर्नमेंट से और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, 5 साल का जो एक्सपीरियंस एज ए नर्स स्टाफ का हो 100-बेडेड हॉस्पिटल में, तो ये अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलने वाली है वार्ड सिस्टर की, राइट। सो दोस्तों ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब जनरल कंडीशन देख लेते हैं। एज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब एज के बाद हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी को 5 ईयर मिलने वाला है, ओबीसी को 3 ईयर मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन, और 2 साल का पहले जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा, देन आपको ऑन रोल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ, यहाँ पे देखिए द डायरेक्टर LGBRIMH तेजपुर, यहाँ जो है इनके नाम का है 100 रुपये का DD बनाना है, ठीक है। और जो है टॉप ऑफ द इन्वेलप आपको भेजना कहाँ है, इसके नाम जो मैंने हाईलाइट किया है, मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए द डायरेक्टर LGBRIMH तेजपुर, ये थोड़ा गैप हो गया बट तेजपुर होगा, ठीक है। 100 रुपये का DD बनाना है इनके नाम पे, और जो है कुरियर कर देना है, कहाँ कुरियर करना है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा, टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर LG तेजपुर, ये देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कुरियर करना है, 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे पिन नंबर दिया है, और 10 जनवरी तक आपका पहुंच जाना चाहिए। और सुपरस्क्रिप्ट पे एप्लीकेशन इन्वेलप के टॉप पे आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए या वार्ड सिस्टर के लिए या आप जो है रिसेप्शनिस्ट के लिए या जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको डाउनलोड, मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, तो वो फॉर्म आप इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ये यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, राइट।
देखिए lgbrimh.gov.in पे जाके जो है आपको ये डाउनलोड कर सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी मैंने बता दिया एंड ऑल दिस थिंग मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपको। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसमें जाके अप्लाई कर सकता है अगर एलिजिबल है तो। इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली इसमें, और रिटर्न एग्जामिनेशन उस केस में होगा जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं फॉर्म दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ये फॉर्म है, फॉर्म जो मैंने वेबसाइट बताया वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ सिग्नेचर के साथ आप जो है क्रॉस सिग्नेचर कीजिएगा, उसके साथ जो आपको यहाँ पे चिपकाना है। जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, फुल नेम, फादर्स नेम, डेट, एज, जो है एस सी एस टी रिजर्वेशन, कास्ट, रिलीजियस, ये सारा कुछ भरिएगा। एंड डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पे डिटेल डालिएगा, डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो बनाइएगा तो डिमांड ड्राफ्ट नंबर आएगा, डेट आएगा एंड बैंक का नाम आएगा, मेल यहाँ पे अपना, उसके बाद एड्रेस डालिएगा, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, एकेडमिक स्कोर, डिग्री, डिप्लोमा, है ना, जिससे डिग्री है अगर या डिप्लोमा है तो वो यहाँ पे किस सब्जेक्ट से, परसेंटेज मार्क्स, यूनिवर्सिटी ईयर, पासिंग ईयर, ये सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या मेडिकल काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, ये यहाँ पे फिल कीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए अवार्ड जो अगर मिला है, अगर है तो वो यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद जो है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, तो एम्प्लॉयमेंट नेम ऑफ द एड्रेस एंड ऑर्गेनाइज, अगर एक्सपीरियंस है तो वो सारा कुछ यहाँ पे लिखिएगा। सैलरी स्ट्रक्चर लिखिएगा तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अगर आपने 30,000 पे काम किया तो ओबियसली 30,000 से ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। कैसा काम था आपका, परमानेंट था या टेम्प्रोरी था, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या आपका ESI, PF, ये सारा कुछ कटता था तो वो हो गया ऑन रोल, है ना। उसके बाद डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब जो भी था उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एडिशनल डिटेल, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, टोटल इन्रोलमेंट कितना होता था वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, गिव द नेम, डिजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, है ना, ऑफ टू रेफरेंस अंडर हु यू हैव वर्कड, है ना, यहाँ पे दिया है जिसके साथ आपने काम किया है पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका यहाँ पे नाम, नंबर, है ना, उसके बाद ईमेल नंबर, नाम डालना है किस प्रोफाइल पे थे, जो आपके बॉस थे या जो आपके मैनेजर थे उसका नाम, उसका प्रोफाइल जैसे मैनेजर थे या रीजनल मैनेजर थे या सीनियर थे कोई भी, और उसका एड्रेस, ईमेल आईडी आपको फैक्स यहाँ पे लिखना है, दो लोगों का एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, क्योंकि वो क्रॉस चेक करके पूछने वाले हैं, यहाँ पे नाम एंड एड्रेस डालिएगा, नाम, डेट एंड एड्रेस, सिग्नेचर यहाँ कीजिएगा, एंड देन ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक आईडी प्रूफ, लाइक आधार कार्ड डाल दीजिएगा, या फिर यहाँ पे देखिए क्या मांगा है, गवर्नमेंट सर्टिफाइज, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए ये दिया गया है, ये आप कीजिएगा अगर इकोनॉमिकल सेक्शन में आते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डाउनलोड करके, उसके बाद ये है आपका डिसेबल सर्टिफिकेट, आप जब ये डाउनलोड कीजिएगा सारा कुछ आ जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और ऑल दिस थिंग। तो इसके साथ जो आपको आईडी प्रूफ लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो ऑलरेडी होगा, टेंथ का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा एज ए बर्थ प्रूफ, उसके बाद जितना भी 10th, 12th, MSc, BSc, मास्टर डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ सेल्फ अटेस्टेड करके कुरियर कर दीजिएगा, और डिमांड ड्राफ्ट होगा उसका कॉपी एक अटैच करके आप कुरियर कर दीजिएगा। 10 जनवरी से पहले पहुँच जाना चाहिए फ्रेंड्स। सो गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सरकारी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, वैकेंसी आपको मिलता रहे और आपको उससे रिलेटेड रीडिंग मटेरियल भी मिलता रहे। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आप मुझे यूट्यूब पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।